क्वेश्चंस को आलिया भट्ट अब तक एज फन लेती आई थी, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस पर फाइनली फूट पड़ा है आलिया का गुस्सा। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? अपनी स्टोरी में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि मीडिया की तरफ से आया कौन सा क्वेश्चन आलिया के टॉलरेंस लेवल को हिला कर चला गया। पर उससे पहले एक सिमिलर सिचुएशन में आए आलिया के इस रिएक्शन को देख लीजिए। लास्ट मंथ एक अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर भी मीडिया के बेसिर पैर के क्वेश्चंस के सामने आलिया ने पेशेंस लूज कर दिया था। आलिया, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है? बहुत बुरी। तो ट्राई कर लेते हैं 26 जनवरी को हिंदी क्या 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 बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। नहीं, लेकिन मैंने पूछा जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने हिंदी में ही पूछा था यार। ये क्या हो रहा है? आप कुछ किस स्कूल के प्रिंसिपल है? हाँ, लेकिन इस बार जब आलिया इस म्यूजिक अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर पहुंची तो बेढंगे क्वेश्चंस का वैसे ही कुछ सीन दोबारा क्रिएट हो गया। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील आलिया से यहाँ एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि होली क्यों मनाई जाती है, जिस पर पहले तो आलिया नाराज होकर आगे बढ़ गईं, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाईं, जिसके बाद फाइनली आलिया की तरफ से आया गुस्से भरा कुछ ऐसा रिएक्शन। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? चाइना का प्रेसिडेंट? वैसे बता दें कि आलिया का ये गुस्सा नोटिसेबल इसलिए भी है क्योंकि आलिया ने उन पर बनाए जाने वाले जोक्स पर कभी कंप्लेन नहीं की। इनफैक्ट कई बार वो खुद आलिया जोक्स को एंजॉय करती नजर आईं। पर अब जब बार बार उन्हें बेतुके सवालों पर पिंच किया जाने लगा है तो लगता है आलिया ने शायद सोचा हो कि यहाँ एक वार्निंग देना जरूरी है, और लगता है वार्निंग के साथ साथ मीडिया के साथ कंफर्टेबल होने के मामले में एक क्लियर लाइन खींच गई है आलिया भट्ट। अब वो लाइन ड्रॉ करना जरूरी था या नहीं, ये आप तय कीजिए। डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।